உஜ்ஜயினில் டே த்ரீ ஈவினிங்கில் இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிறது வந்து ஹர்சித்தி மாதா மந்திர். இந்த கோவில் வந்து 108 சக்தி பீடத்தில் ஒன்று. அதாவது சிவபுராணத்தின்படி சிவன் வந்து சக்தியோட அம்சமான தாக்ஷாயணியை வந்து எரிந்த உடம்பை வந்து சிவன் தூக்கிட்டு ஆடும்போது சக்தி தேவியோட ஷோல்டர் விழுந்த இடம்தான் இந்த கோவில். இங்கு கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கிற அம்மன் வந்து நம்ம ஊர் சமயபுரம் மாரியம்மன் மாதிரியே இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு. உள்ளார வந்து கேமரா அலௌடு கிடையாது. இந்த கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஆர்த்திக்கு அப்புறமா நடக்கிற இந்த ரெண்டு கம்பத்துலேயுமே வந்து ஆளுங்க வந்து ஏறி விளக்கேற்றுவாங்க. மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே ஏற்றிட்டு வருவாங்க. அது ரொம்பவே ஃபேமஸ். நாங்கள் இருந்த 3 நாளுமே அதை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான். ஏதோ சம் இஷ்யூனால் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்களாம். உஜ்ஜயின் கே ராஜா ஹே, ராஜா வீர் விக்ரமாதித்ய சக்கரவர்த்தி சம்ராட் पूरी उज्जैन नगरी जिसको अवंतिकापुरी बोलते हैं, वो राजा विक्रमादित्य की बसाई हुई। इतने यहाँ देवी देवता हैं, श्री बाबा महाकाल को छोड़ के सबको प्रसन्न करके वापस जाने की मान्यता है। ये 32 देवियों का सिंहासन है, इसको सिंहासन 32 ही बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सिंहासन 32 कि सिंहासन के साथ में थी 32 देवियाँ जिनको पुतलियाँ कहा जाता है ना। वो सिंहासन इन देवियों के अधीन था, इनके अंडर में था, इसलिए इसको सिंहासन 32 ही बोलते हैं। ये ओरिजिनल जो असली सिंहासन था उसका ही काल्पनिक रूप से बनाया गया है, ये भी 100 साल पुराना है। ऐसा असली वाला सिंहासन भगवान इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग से दिया था, क्योंकि इस सिंहासन के योग यही राजा थे और यही इस पर बैठ पाए। लेकिन ये भी तब बैठ पाए जब इन 32 देवियों के इनके सवालों के सही जवाब दिए। दूसरा कोई भी राजा इस सिंहासन पर नहीं बैठ सका। और इसी सिंहासन में बैठ के इनने नवग्रह देवता का न्याय किया था, जिससे शनि महाराज इनसे नाराज हो गए थे। राजा विक्रमादित्य से इनको 7.5 ही लगे थे, तो प्रजा के लिए कष्ट सहा था इन्हें, इसलिए इनको न्यायप्रिय और भंड इनको न्यायप्रिय सत्यवादी और प्रदुपंजन पराय दुख काटने वाले राजा विक्रम देवता जो इनका प्रतिउत्तर देते थे। एक बुद्धिमानी प्रेत थे जो राजा विक्रमादित्य के आदमी हुए थे, वो भी तब हुए जब 42 कठिन से कठिन सवालों के जवाब राजा विक्रमादित्य ने दिए। तो जो विक्रमादित्य राजा बोलते हैं वही बेताल करता है, इसलिए इनको विक्रम बेताल या बेताल 25 के नाम से इनको जाना जाता है। ये राजा विक्रमादित्य के 9 रत्न हैं। इनके दरबार में मंत्री के स्वरूप बैठते थे, इनसे सलाह परामर्श लेके न्याय करते थे। ये विक्रमादित्य के 9 रत्न कहलाते हैं। और ये 32 देवियाँ भी जो है ये राज्य में न्याय में सहयोग करती, सबका अलग अलग कार्य था। जैसे 2 पंख वाली परियाँ आकाश पाताल की खबर ला के देती, समझे उस समय पर ये वायरलेस टेली तब जाके न्याय में इतने फेमस हुए कि नवग्रह देवता भी इनके पास गया। इनके हाथों में चिन्ह बने चक्रवर्ती सम्राट, हिंदू पंचांग चलता है ना, कैलेंडर विक्रम संवत, वो राजा विक्रमादित्य के देने जो आज पृथ्वी पर 2008 चल रहा है। हर सिद्धि माता शक्तिपीठ इनकी आराध्य कुल देवी, माता के इतने बड़े भक्त हैं, अपना स्वयं का शीश अर्पण करते थे। क्योंकि आप बताते हैं 11 बार अर्पण किया, 11 बार ही वापस लगा, इसलिए माता हर सिद्धि की कृपा से। और उज्जैन अवंतिका में मनुष्य रूप में इंसान के रूप में राजा विक्रमादित्य ने यह राज्य किया, बाकी कोई राजा यहाँ राज्य नहीं कर सका। राजा बने यहाँ, इनके पहले तो बहुत बने, इनके बाद मात्र एक ही राजा बने। इनके पहले इनके बड़े भाई राजा भर्तरी भी थे, जिनने गुरु गोरक्षनाथ से दीक्षा लेके वैरागी ले लिया, जो आज ही भर्तरी गुफा में जहाँ उनने 12 साल तपस्या की। फिर छोटे भाई विक्रमादित्य ने राज्य संभाला, इनके बाद राजा हो जाए ये अंतिम राजा बने, तो ना ही सिंहासन 32 सीट बैठ सके ना राज्य कर सके। राज्य मात्र एक इन्हीं राजा ने किया। इनने भी क्यों किया कि भगवान शिव का अंश अवतार थे, इसलिए अवंतिका उज्जैन ने राज्य किया, ऐसा शिव पुराण ने बताया। क्योंकि यह राज्य दूर की बात है, कोई राजा अभी यह राज्य निवास भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के राजाधिराज स्वयं भोलेनाथ महाकाल राज्य। तो इससे बस लगा हुआ था इनका महल, इसमें पूरी अवंतिका पूरी उज्जैन उसकी बसी थी, है ना। आज वर्तमान में महल नहीं है, आज में पूरा शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो ना वर्तमान में आज ना महल है, धरती में समा गया बता, क्योंकि इनके बाद कोई राजा बना नहीं, है ना। तो ये इनके महल में मात्र एक यही राजा थे जो ये रहते थे, और इनने राज्य किया। बाकी कोई राजा यहाँ राज्य नहीं कर पाया इनके समय, तो राजा बने, लेकिन अब कोई राजा यहाँ पूरे अवंतिका क्षेत्र में राज्य निवास नहीं कर सकता। उज्जैन क्षेत्र में कोई भी इंदौर देवास भोपाल, हाँ,
तो वो यहाँ रात्रि निवास रात आ सकते हैं, दिन भर रहेंगे वो, जब तक राजपथ पे है जब तक वो यहाँ सकते, बाकी आम बजा के उसमें होंगे। और इधर घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते, एक ही राजा है बाबा महाकाल। हाँ, घोड़े उनके सामने मंदिर के सामने, मंदिर के सामने घोड़े पे भी निकलता है क्योंकि दूल्हे राजा उनको मतलब घोड़े पर बैठ के कुछ मतलब तकलीफ हुई क्या मंदिर के? वो ये तो वहाँ निकलेंगे ना, उनका क्षेत्र है। ये बताते हैं वो एक राजा धीराज बाबा महाकाल है, जिन लोगों के स्वामी है। दूल्हा जब बनता है तो दूल्हा राजा कहलाता है वो, है ना, जीवन में जब वो एक ही बार बनता है दूल्हा, वो दूल्हे राजा को उसको उपाधि दी जाती है। तो एक राजा वो उनके सामने थोड़ी निकलेगा, ऐसे पुराने समय से मान्यता है, तो इस चीज़ को आज भी मानते हैं, है ना। और पुराने समय में ऐसा हुआ भी, कोई राजा यहाँ रात्रि बस रुका है अहंकार बस, तो सुबह उठ नहीं पाया, बोलने की नहीं है तो भगवान है राजा क्या, तो वो यहाँ एक ही राजा है, दूसरा राजा भी हो सकता है ऐसा, इसलिए उस चीज़ को आज भी मानते हैं। किसी ने अहंकार बस बोले कि अपन यहाँ राज्य करें तो उसका राजपाट चला गया, ऐसे मतलब कुछ एक दिन घटना है, उस चीज़ को आज भी मानते हैं लोग। क्या वो तो खुद स्वयं अखल ब्रह्मांड के नायक है, उनके आगे कौन है? இப்போ நீங்கள் பார்க்குறத வந்து விக்ரமாதித்ய மஹால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மகாகால் மந்திரையும் மகாகால் லோக் காரிடோர் நைட் லைட்டிங்கையும் பார்த்துட்ருக்கோம். சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ அவர் சொன்ன கதை வந்து விக்ரமாதித்ய ராஜாவை பற்றின கதை தான். அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விக்ரமாதித்ய வேதாளம் 32 பதமே கதை, அதை பற்றி தான் சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட வந்து அந்த மாநாடு படத்தில் வர்ற அது நிஜமாக என்னென்னு அதை பற்றியும் நாங்கள் கேட்டோம். அதுவும் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து மகாகால் கோவில் முன்னாடி வந்து யாரும் குதிரையில் வந்து ஏறக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி சிஎம் பிஎம் யார் வந்தாலும் இங்கே நைட்டு தங்க மாட்டாங்க, கிளம்பி போயிடுவாங்க, அதை பற்றியும் சொன்னாங்க அவங்க. இந்த விக்ரமாதித்ய ராஜாவோட சேர் மாதிரி இங்கே பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இது விக்ரமாதித்ய ராஜாவோட மந்திரி சபை, அப்புறம் புலவர்கள் தன்வந்திரி எல்லாருமே வந்து இருக்கிற மாதிரி இங்கே வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே நல்லா இருந்தது. காளிதாசரும் இவரோட அமைச்சரவையில் தான் இருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன்.